नमस्कार, मैं हूं रुचि शर्मा। वेब थ्री की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। ओपन सी ने ERC 721C टोकन स्टैंडर्ड के लिए समर्थन की घोषणा की है, जो NFT क्रिएटर्स के लिए लागू करने योग्य ऑन चेन रॉयल्टी के मुद्दे को संबोधित करने के लिए डिजाइन किया गया एक नया टोकन स्टैंडर्ड है। ये नया स्टैंडर्ड NFT क्रिएटर्स के लिए प्रोग्रामेबल अर्निंग्स की अनुमति देता है, एक सोल्यूशन जिसे ओपन सी ने NFT वॉश ट्रेडिंग के लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे की प्रतिक्रिया के रूप में देखा। पहले ERC 721C के बिना जब कमीशन इनिशियल मार्केट्स के बाहर प्रोग्राम किया जाता था तो यूजर्स को रॉयल्टी नहीं मिलती थी, और जब ये सेकेंडरी मार्केट्स में पहुंचता था तो NFT पर उनका अधिकार खो जाता था। निर्माता के विवेक पर NFT रॉयल्टी प्रति बिक्री 2.5% से 10% के बीच होती है। आज तक टॉप 10 NFT कलेक्शन ने अपनी स्थापना के बाद से $345 मिलियन से अधिक रॉयल्टी अर्जित की है। ओपन सी ने स्टैंडर्ड के विकास के पीछे ब्लॉकचेन गेमिंग फर्म लिमिट ब्रेक के साथ ERC 721C के एकीकरण पर काम करना शुरू कर दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ब्लॉकचेन बेस्ड वोटिंग सिस्टम विकसित करने में रुचि रखने वाले कई अमेरिकी राज्यों ने कार्डानो फाउंडेशन से संपर्क किया है। ये जानकारी डेलीकॉइन द्वारा कार्डानो फाउंडेशन के CEO फेडरिक ग्रेगार्ड के साथ हाल ही में आयोजित एक इंटरव्यू के दौरान सामने आई। ग्रेगार्ड ने चुनावी प्रतिक्रियाओं को बढ़ाने के लिए ब्लॉकचेन का लाभ उठाने में सरकारी नियमों की बढ़ती रुचि पर प्रकाश डालते हुए एंगेजमेंट की पुष्टि की। इन राज्यों की रुचि वोटिंग सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के उद्देश्य से लाइटवेट ब्लॉकचेन सॉल्यूशन बनाने पर केंद्रित है। जबकि ग्रेगार्ड ने पूछताछ के बारे में उत्साह व्यक्त किया, उन्होंने इसमें शामिल चुनौतियों पर भी ध्यान दिया, विशेष रूप से इस तरह के समाधान को लागू करने के लिए राज्यों द्वारा अनुरोध की गई समय सीमा के संबंध में है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज बिटफिनेक्स नए बिटकॉइन और ईथर वॉलेटिलिटी फ्यूचर्स पेश करके क्रिप्टो मार्केट्स में अस्थिरता के जवाब में ट्रेडिंग टूल का विस्तार कर रहा है। बिटफिनेक्स के डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म बिटफिनेक्स डेरिवेटिव्स आईफिनेक्स फाइनेंशियल द्वारा प्रदान किया गया है ने दो नए परपेचुअल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का व्यापार शुरू किया। फर्म ने 3 अप्रैल को कॉइन टेलीग्राफ को घोषणा की। खैर, नए कॉन्ट्रैक्ट्स वॉलमेक्स इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी इंडेक्सेस, बिटकॉइन इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी इंडेक्स और इथीरियम इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी इंडेक्स पर आधारित हैं। इंडेक्सेस 30 दिन की अपेक्षित अस्थिरता या BTC और ETH ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की निहित अस्थिरता को ट्रैक भी करते हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लेंडिंग प्रोटोकॉल आवे ने डाई स्टेबल कॉइन के रिस्क पैरामीटर्स को एडजस्ट करने के लिए एक नया आवे रिस्क फ्रेमवर्क कमिटी प्रस्ताव लॉन्च किया। आवे ट्रैन इनिशिएटिव टीम ने प्रस्ताव रखा जिसमें सुझाव दिया गया है कि डाई के लोन टू वैल्यू रेशियो को सभी आवे डिप्लॉयमेंट्स पर 0% पर एडजस्ट किया जाए। 2 अप्रैल को जारी प्रस्ताव के एक भाग में सुझाव दिया गया कि एस्टा इंसेंटिव को मेरिट प्रोग्राम से हटा दिया जाए, जो कि मेरिट राउंड 2 और उसके बाद से प्रभावी होगा। इस कार्रवाई का उद्देश्य मेकडाओ का हालिया आक्रामक D3M प्लान का प्रतिकार करना है, जिसने 1 महीने के भीतर तेजी से डाई क्रेडिट लाइन को 0 से अनुमानित 600 मिलियन डाई तक विस्तारित किया, जो जल्द ही 1 बिलियन डाई तक पहुंच सकता है। प्रस्ताव यूजर्स पर न्यूनतम प्रभाव डालते हुए संभावित जोखिमों को कम करने का प्रयास करता है, और ये देखते हुए कि डाई डिपॉजिट्स का केवल एक अंश आवे पर कोलैटरल के रूप में काम करता है और यूजर्स आसानी से अल्टरनेटिव कोलैटरल ऑप्शन के रूप में USDC कॉइन या टेदर पर स्विच कर सकते हैं। ओवर टू यू रोशनी। डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज क्राउडस्वैप ने पहला डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च किया है, जिसमें बिटकॉइन और इथेरियम सहित कई क्रिप्टो एसेट शामिल है। 3 अप्रैल को घोषित बुलरन DETF निवेशकों को क्रिप्टो इकोसिस्टम के भीतर विविध पोर्टफोलियो तक पहुंच प्रदान करता है। ETF में पॉलीगॉन, चेनलिंक, पोल्काडॉट सहित 10 टोकन शामिल है। जैसा कि कहा गया है कि निवेशक केवल एक क्रिप्टो टोकन का उपयोग करके इन 10 टोकन में निवेश कर सकते हैं और उसी सिंगल क्रिप्टो में विड्रॉ कर सकते हैं। कंपनी ने एक प्रेस रिलीज में कहा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का उद्देश्य इन्वेस्टमेंट प्रोसेसेस को सुव्यवस्थित करना, सिंप्लिसिटी और डिसेंट्रलाइजेशन को सुनिश्चित करना है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.0 TV। ऐसी और ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें QR कोड। थैंक यू।